एक बार फिर से आपका अपना दोस्त हमदम साथी विजय जैन आपके सामने आया है एक नया वीडियो लेकर जो आपको बताएगा कि आप अपनी आवाज को किस तरीके से शानदार जानदार यादगार बना सकते हैं। दोस्तों इन दिनों UID कार्ड आधार कार्ड काफी प्रचलन में है, UID नंबर काफी प्रचलन में है, काफी चलन में है। तो हमें काम करते हैं अपन UID के आधार पे ही अपनी आवाज को शानदार बनाने का तरीका खोजते हैं। UID का मतलब इनकी फाइलों में कुछ और होता होगा, लेकिन हमने UID का फंडा कुछ और तरीके से अपनाया है। UID, यू यानी यूज, आई यानी इग्नोर और डी यानी डेयरिंग, हिम्मत, है ना। अगर ये तीन चीज को हम समझ लें, अगर इन तीन चीजों को हम फॉलो कर लें तो लाइफ में कभी भी आवाज संबंधित समस्या नहीं आएगी, सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। यू का मतलब होता है यूज यानी इस्तेमाल करना। ये जो हमारा शरीर है यानी हमारी आवाज, हमारा दिमाग, हमारे फेफड़े, हमारी सांसें, हमारा कंठ, ये जो शरीर है हमारा, इसका हमने इस्तेमाल कम कर दिया है क्योंकि हमें लगता है कि हमारी आवाज सही नहीं है, हम ढंग से नहीं बोल पाएंगे। इस चक्कर में हमने अपनी आवाज का इस्तेमाल कम कर दिया है, इस्तेमाल घटा दिया है। सबसे पहले तो हमें यू फॉर यूज यानी इस मशीनरी को ज्यादा से ज्यादा यूज करना है, ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है। जितना ज्यादा हो सके हमें बोलने की कोशिश करनी है, बोलने का अभ्यास करना है, बोलने की हिम्मत करनी है अल्टीमेटली। तो जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ही मशीनरी ज्यादा काम में आएगी और वापस हमारी आवाज जो है पहले की तरह नॉर्मल या वापस आवाज जो है सही हो जाएगी। दूसरा फंडा आता है आई। आई का मतलब होता है इग्नोर यानी कि अनदेखा करना। अब जब हम सफर पे निकले हैं तो हो सकता है रास्ते में, सफर हमारी आवाज का है, सफर पर निकले हैं तो हो सकता है रास्ते में कहीं कहीं कुछ उबड़ खाबड़, कुछ जो है ऐसा हो जाए कि हम लड़खड़ा जाएं, हम गिर जाएं, हम संभल ना पाएं, तो उस चक्कर में हम अपना सफर बंद नहीं करेंगे। ये उसी तरह से होता है कि आप घर से निकले हैं, कहीं जा रहे हैं, रास्ते में कोई ठोकर आई, कंकर आया और आप जो है लड़खड़ा के गिर गए, तो आप वापस घर पे नहीं आ जाएंगे कि भैया मैं तो गिर गया, मैं तो मेरे लग गई, है ना। ये सोच लेके वापस घर पे नहीं आएंगे, हिम्मत हार के लौट के नहीं आएंगे, या वहीं बैठे बैठे मायूस होकर हिम्मत नहीं हारेंगे, हताश नहीं होंगे, मुंह नहीं उतारेंगे, उदास नहीं होंगे। आप उठ के कपड़े झाड़ेंगे और अपना सफर फिर से शुरू कर देंगे। तो उसी तरह अगर आप बात कर रहे हैं, कहीं पे थोड़ी सी अटकर आ गई है, कहीं थोड़ी सी हलचल आ गई है, कहीं थोड़ी सी हकलाहट या हड़बड़ाहट हो गई है, तो उसको सफर का हिस्सा मानते हुए अपने आप पे हल्का सा मुस्कुराकर आप आगे बढ़ जाएंगे, सफर को बंद नहीं करेंगे, आप बोलना अपना जारी रखेंगे। तीसरी बात आती है डी यानी डेयरिंग यानी हिम्मत करना। जहां कहीं भी भीड़ दिखती है, जहां कहीं भी अनजान आदमी दिखता है, आपको हिम्मत करनी है और वहां जाके उनसे बात करनी है। मैंने अपनी भाषा में इसको बोला है गुब्बारे फोड़ना, यानी आपको कोशिश करना है कि आप दिन में जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ गुब्बारे फोड़ें, ज्यादा से ज्यादा बलून फोड़ें, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करें और अपनी हिम्मत का परिचय दें, अपनी हिम्मत का सबूत दें और इस काम को करते रहें। तो तीन चीज आपको लाइफ में अपनानी है। पहला अपनाना है यू यानी यूज करना है अपनी इस मशीनरी को मैक्सिमम। दूसरा है आई यानी इग्नोर करना है अपनी थोड़ी बहुत गलतियों को आवाज संबंधित, और डी यानी डेयरिंग यानी हिम्मत करनी है अनजान लोगों से बात करने की। अगर ये तीन फंडे UID कार्ड यानी UID अगर आप अपनी लाइफ में अपना देते हैं तो आप आवाज संबंधित कोई समस्या को दोबारा नहीं झेलेंगे, दोबारा फेस नहीं करेंगे और ये आवाज संबंधित समस्या आपकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगी। और उसके अलावा अगर आप मेरी हेल्प चाहते हैं अपनी आवाज को सही बनाने के लिए तो आपका स्वागत है। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8890601641 पर मैसेज कर दीजिए, मैं आपको मेरे पास अवेलेबल सारे कोर्सेज की, उनकी ड्यूरेशन की, उनकी फीस की, उनकी बैच की डिटेल भेज दूंगा। आप चाहते हैं तो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, वरना मेरे सारे वीडियोज देखते रहिए और आपको फायदा डेफिनेटली मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।